हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक विद गाय। तो बहुत सारे लोगों ने हमें से सवाल पूछा था कि आपने GTA 5 का ये वीडियो बनाया, गेम प्ले वो मतलब लो सेटिंग्स पे बनाया होगा, हाई सेटिंग्स पे इतना FPS कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा वीडियो बिल्कुल अच्छा असली प्लेबैक है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे FPS कितना मिल रहा है, 120 FPS के अराउंड मिल रहा है, 125-126 FPS। और ये यहाँ पे आपको GTA 1650 हमारा ये ग्राफिक्स प्रोसेसर दिख रहा है। तो देखिए, काफ़ी लोग के कमेंट्स आते हैं कि फेक वीडियो है, ये है वो है, और लेकिन फेक वीडियो होता तो 1,500,000 लोग कैसे देख लेते उसको। 1,500,000 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, वो शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब पे, और हमारा सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है चैनल पे। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसे गेम प्ले है ये, और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप देखिए 150 FPS आराम से जा रहा है, तो इसमें कुछ फेक चीज़ हम नहीं करते हैं, सब चीज़ ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं, ये देखें, कार से उतर के भी दिखा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं है, 160 FPS आराम से जा रहा है। थोड़ी इसमें दिखा देता हूँ फायरिंग करके ये, तो अगर आप चाहते हैं इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा के दिखा सकता हूँ, ये देखिए थोड़ा रात का समय हो गया है, इसमें आपको आई होप प्रॉपर वो आ रहा होगा, दिख रहा होगा सही से। तो अब मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ इसको, हाँ इसको आवाज़ कम कर देता हूँ मैं जी। देखिए सेटिंग्स देख लीजिए, सेटिंग्स में गया मैं, ग्राफिक्स ये आप देख सकते हैं, रेजोल्यूशन 1920x1080, और ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि फुल HD सेटिंग्स पे चल रहा है हमारा, और बस यही आपको दिखाना था कि कोई फेक चीज़ नहीं है इसमें, सब असली है। और बस गेम प्ले को आप इन्जॉय करिए, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है ये, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 राइजन 5 4600H। और हाँ, इसकी रैम भी अपग्रेड नहीं करिए, 8GB रैम है इसमें, और 4GB का जो है आपका इनका ग्राफिक्स कार्ड, ये देखिए। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे कंसीडर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मैं अभी भी कहूंगा बहुत अच्छा लैपटॉप है अगर आपको ये सही प्राइस पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा खेल के दिखा देता हूं, ये लीजिए, खेलते ही मर गया है तो चलो कोई नहीं, देखिए FPS अभी 200 पार हो गया था। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो आप ग्राफिक्स देख सकते हैं कितने अच्छे से रेंडरिंग करता है ये प्रोसेसर ग्राफिक्स को। और इंटेल वाला मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता, इंटेल i5 वगैरह, AMD मैं प्रेफर करता हूँ, AMD अच्छा है। आपका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, मुझे AMD पसंद है जी। तो हाँ, ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे जो इसका FPS होता है वेरी करता है, जैसे कुछ एरियाज़ में हिली एरियाज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो नॉर्मल तौर पे 100 FPS के ऊपर ही इसमें आता है। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये जो लैपटॉप का वो है डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज़ का नहीं है, 60 हर्ट्ज़ का इसका पैनल है। तो बहुत अच्छे से ये ऑपरेट करता है ये गेम को, बहुत ही स्मूथनेस है। मैंने इसमें फार क्राई फाइव भी मैंने खेला है, इसमें बहुत आराम से चलता है, और आपको दूसरा गेम भी खेल के दिखाया था। आई होप कि आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा कैमरे के थ्रू। देखिए मैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूं। और हमारी शॉर्ट वीडियो जो हमने GTA पे बनाई थी, उसके 1,500,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हम जल्द ही 40,000 सब्सक्राइबर का मार्क पार करने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से 50,000 का सब्सक्राइबर मार्क भी हमें अचीव कराएँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप में से कितने लोग GTA 5 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और कितनी बार खेल चुके हैं पूरा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे गेमर दोस्त हैं जो पूरा रगड़ दिए होंगे उसको खेल खेल के। तो ठीक है, बताइएगा कमेंट में। कोई बढ़िया सी कार। 5 मिनट हो गया है मुझे खेलते हुए, और हाँ इतना खेलने के बाद भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसमें कोई नॉर्मल यूसेज में कोई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या कुछ हो रहा है कि मतलब लैग कर रहा है। आपको भी दिख रहा होगा डिस्प्ले कैमरे के थ्रू, तो मुझे बताइए आपको गेम प्ले कैसा लग रहा है, क्या आपको पसंद आ रहा है ये। सेटिंग्स में एक मिनट, हाँ सेटिंग्स ग्राफिक्स आप फिर से देख सकते हैं, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है और ये वीडियो में कोई कट्स भी नहीं लगाए हैं। और FPS आप देख सकते हैं अभी 188 FPS, बताइए क्या मैंने इसमें एडिटिंग किया है, बिल्कुल ओरिजिनल है आपके सामने। आप देख सकते हैं CPU का यूसेज कितना ले रहा है, 30% के अराउंड ले रहा है। GPU टेम्परेचर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप्स में इतना ही रहता है, इससे कम होगा तो फिर वो गेमिंग लैपटॉप किस काम का। यहाँ थोड़ा सा हाँ देखिए, ये देखिए एक्सीडेंट हो गया इसका, कोई बात नहीं। तो अपनी बाइक हम मंगा लेते हैं। दोस्तों हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, चाहे गेम हो चाहे रियल लाइफ। ये देखिए थोड़ा सा स्टंट हो गया, यहाँ बहुत सही लग रहा है ग्राफिक्स। ऑटो सेव करने को कह रहा है, चलो देखिए। उम्मीद है आप गेम प्ले को एंजॉय कर रहे होंगे। 7 मिनट हो चुके हैं लगभग, आप इसका वो साइड में स्टैट्स देख सकते हैं। देखिए नॉर्मल में भी आराम से 100 FPS प्लस आता ही आता है। और आपको बता दूं कि ये डिस्प्ले जो हमारा है 60 Hz का है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपका ये 120 Hz 144 Hz का होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए कि लैपटॉप कितना दमदार है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लैपटॉप है, इसको काफ़ी महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।